सिर झुकाते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेव, प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव, प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय नत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कलचारुर्मर्दनम देवकी परमानंदम, कृष्ण वंदे जगत गुरुम, कृष्ण वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम। अह भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, पूरा पुरुषार्थ कीजिए अपने मन को एकाग्र करने के लिए। अपने दयालु कृपालु इष्टदेव महाराज जी की विशेष कृपा का विशेष लाभ उठाते हुए सज्जनों देवियों, हम लोग बच्चे खपचा रहे श्रवण कर रही गई भक्ति के विषय में विस्तार पूर्वक, और वो भी उच्च कोटि के भक्ति के आचार्य देवऋषि नारद जी के अपने श्रीमुख से। ये जो कुछ मैं सुना रहा हूं, ये है क्या देवऋषि की कहानी, उनकी अपनी जबानी, ये उनकी भक्ति की कहानी कह लो, उनका निजी अनुभव समझ लीजिएगा। जैसे हमारे बहुत काम आ रहा है, इस तरह भक्ति प्रिय अनेक देवियों और सज्जनों के बहुत काम पहले भी आया था, भविष्य में ही बहुत आएगा। पचास सूत्रों तक हम ये जाना, सातरती सालोकान तारयती, जिसके अंदर अखंड रूप से, सुनो मेरी देवी अब एकाग्र हो जाओ मेरे सज्जनों, विशेषकर धार्मिक भाइयों जो अपना सारा जीवन लगा देना चाहती हैं भगवान जी के नाम पर, एक एक बात को समझ लीजिएगा। भक्ति है क्या, मैं बड़े विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूं, भक्ति क्या, क्यों, कैसे, किसी भी विषय में जानना हो ये तीन प्रश्न करो किसी पर या अपने पर या कोई आचार्य मिल जाता है, क्या, क्यों, कैसे। अब हम ले रहे भक्ति कैसे कमाई जाए, क्या क्यों की चर्चा तो हो चुकी, भक्ति को अपने कैसे बनाया जाए। भक्ति का कई परिभाषा है, दिव्य प्रेम, और वो प्रेम हम सबके अंदर है, केवल हमारे अपने मन के भाव कह दिए कि हम ऐसे घराने में जन्म लिया जहां मां बाप ने कुछ नहीं बताया, मेरे मन में ये है तो मेरी बेवकूफी, अरमान उठता है कि जो मां बाप पैदा करता है वो साथ ही साथ बच्चों को भक्ति की बातें बताता जाए, केवल इस शरीर को ना पाले बल्कि अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी पालना चाहिए, और वो पलता है प्रभु भक्ति से, वरना इंसान अधूरा रह जाएगा, धतूरा रह जाएगा, अपने और समाज के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। है जी सरकार, जैसे आज देख रहे हैं नर नारी समाज के लिए बहुत ही भयानक है, क्यों पता ही नहीं, क्या उचित क्या है अनुचित क्या है, जिस इंसान को यही ना पता हो प्रॉपर इम्प्रॉपर, मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना, वो इंसान की शक्ल में शैतान, वो मानव के रूप में दानव, वेरी डेंजरस टू सोसाइटी, वेरी डेंजरस एंड मिस्टीरियस एज वेल। नर जी ने
साधन बताए उस दिव्य प्रेम को बढ़ाने के लिए, अपना बनाने के लिए। मैं पिछले दुराई नहीं कर सकता, ये लड़ी टूट ना जाए कहीं। मैं अब जा रहा हूं 51 सूत्र की ओर। आप जानते हैं मैंने कई बार बताया है, कुल 84 सूत्र है जिनमें नारद जी ने गजब कर दिया है। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ बता दिया, मतलब गागर में सागर। आओ अब प्रसंग है अखंड प्रेम का, जिसके अंदर प्रेम अखंड चल पड़ता है। जैसे कहीं ट्यूबवेल चलता हुआ देखा हो तो अखंड जल की धारा उसमें से निकल रही है। अखंड मतलब टुकड़े नहीं होते, जोरदार पानी निकल रहा है और नालियों के रास्ते से खेतों में जा रहा है, उसे हमें अखंड जल धारा कहेंगे, अखंड जल धारा। इससे बड़ी अच्छी किस्मत आपकी, कलयुग में आप ने जन्म लिया है, कलयुगी आप जीव है। अगर आप मेरे को क्या कह रहा हूं, भगवान मेरी वाणी को सत्य करे सत्य करे सत्य करे, इसी पर अखंड प्रेम धारा आपके अंतःकरण में चल पड़े। ऐसी डिवाइन लव वेयर देयर इज नो ब्रेक एट ऑल कंटिन्यूअसली। वाह, ऐसे परमात्मा से मांगा करो प्रभु मेरे मन में भी अखंड प्रेम की धारा चल पड़े, अखंड प्रेम की धारा। तो जिसमें ये चली थी ना अपने देश में, हां अखंड प्रेम की धारा जिसमें चली थी, सबसे पहला नाम गोपियों का आता है, और गोपियों में भी गोपियों में जो बहुत ही चोटी की गोपी थी, क्या नाम था उसका, तो धारा को जरा उल्टा कर दो क्या बन जाता है, राधा। धारा शब्द को अगर उल्टा करें तो राधा। भाई मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। क्या किसने शानदार रिसर्च किया है। अखंड प्रेम धारा जिसमें चल पड़ी, कितना अच्छा नाम रखा गया उसका, राधा। राधा खड़ी है महाराज जी की याद में, तो खड़ी है, पगडंडी सी है गांव में, रास्ता बंद है, जनता खड़ी हो गई। आखिर एक कोई मां आती है, राधा राह दे, राधा राह दे, राधा देख तू कहां खड़ी है, पीछे देख। पर राधा को पता है कि मैं कहां खड़ी हूं, उतना तो हमारे में हो ही नहीं सकता। वो तो एक भगवान ने हम सबके सामने एक उच्च कोटि का आदर्श, हमारा आई मीन टू से यूनिक आइडियल रखने के लिए राधा को अपने में से प्रकट किया, ताकि हमें पता लगे कि उच्च कोटि की प्रेम धारा क्या होती है। तो हम अपने मन को समझा सकती हैं, जस्ट लाइक राधा। आज चले अब ऐसी धारा आप में तो कुछ कुछ चल पड़ी, वो तो चबरना आप यहां आते, अगर आप किसी कहने पे आए लगातार नहीं आ सकते। जब तक अखंड प्रेम धारा चल, अपने आप दिल नहीं करता यहां आने का, क्योंकि ये तो हमारे देश की फिलॉसफी है, हमारे देश की संस्कृति है। जब तक पूर्व के संस्कार ना साथ दे, रस आता ही नहीं। तो मैं क्यों ना हार्दिक बधाई दूं जब आपके प्रेम रस कुछ आने लगा है। अब इसको नारद जी कहती हैं क्या, अपनी असमर्थता बताती है, असमर्थता, समर्थ जो किसी काम को कर सके। नारद भी नहीं कर सकते, बाबा ओ बाबा ओ बाबा क्या हो गया आपको। नारद जी त्रिकाल दर्शी हैं, भगवान ने इतनी दिव्य शक्ति नारद को दे रखी है, वो भी असमर्थ है। सुनो तो सही, क्यों घबरा गए आप, किस बात में असमर्थ है। वो इस बात में समर्थ है, अनर्थनीय प्रेम स्वरूप, ओ मैं कुर्बान, अनर्थनीय प्रेम स्वरूप। नारद कह रहे 51 सूत्र में, वो प्रेम का स्वरूप मेरे से वर्णन नहीं हो सकता।
प्रेम का स्वरूप दी एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन लव इट इज इंटायरली इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, इट इज इंटायरली इम्पॉसिबल हाउ टू डिस्क्राइब। ये शब्दों का विषय नहीं, ये वाणी का विषय नहीं, ओए होए, इट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ टॉकिंग, नॉट सब्जेक्ट ऑफ लेक्चरिंग, बट इट इज सब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन। तो जो अनुभव का विषय हो उसको वाणी से कैसे प्रकट किया, आए हाय हाय, आपको मैंने बड़ी खुशी हुई, प्रकट करो, ले खुशी कैसे प्रकट किया जाए, क्योंकि ये तो अनुभव का विषय है। तो नारद कहते जिसका जिसकी ऐसी किस्मत जाग गई हो सजनों हो देवियों, कैसे वर्णन करें, कैसे बताएं। इसको कबीर जी ने भी वर्णन किया, प्रकट किया, आत्म अनुभव ज्ञान की जे कोई पूछे बात, अरे आत्म अनुभव के ज्ञान की कोई बात पूछे सो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद, आगे नारद जी बताने वाले हैं। ये तो गूंगी है गुड़ है, अब गूंगा गुड़ तो बहुत चाहे मानो मेवे वाला गुड़ था, आपने घर में रखा हुआ, मैंने मांगा तो नहीं, आप भगवान के नाम पर जाके खा लेना। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लेता है, ये तो गूंगा गुड़ को खिला दीजिए तो क्या वो डिस्क्राइब कर सकेगा, बिल्कुल भी नहीं, हर एक को खुद खाए तो पता लगे। तो प्रेम का वाणी से वर्णन नहीं होता, प्रेम मन रियलाइज करता है। तो नारद हार मान रहा है कि ना भाई मेरी हार तुम्हारी जीत। और मैं एक बात बता दूं आपको, हमारे महापुरुष कहते आ रहे हैं, हाय 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 हाय, प्रेम की रीत यही, कभी अनुभव किया, कभी अनुभव किया बेटी, प्रेम की रीत यही जो हारा सो जीत गया, आय कुर्बान आय कुर्बान आय कुर्बान, प्रेम की रीत यही जो हारा सो, बोलो बोलो जो हारा सो, ये देखो क्या कंट्राडिक्शन, ये प्रश्न रोधी बात, ये ऐसा लगता है जस्ट लाइक ए कंट्राडिक्शन, ओ मेरे देवी ये परस्पर विरोधी बात, ये तो लोग हारा सो जीत गया, व्हाट ए वंडर व्हाट ए मिस्टीरियस, पर प्रेम की रीत यही जो हारा सो जीत गया। प्रेम में जो हार जाता है भगवान उसके गले में सेहरा देते हैं, क्या नहीं तो मेरे सामने जीत गए हो। मैं फिर आपके अंतःकरण पर मोटे अक्षरों में लिखना चाहता हूं, प्रेम की रीत यही बेटी हो प्रेम, और उसके बाद आप बोलो बड़े प्रेम, प्रेम की रीत यही, प्रेम की रीत यही जो हारा सो, है कमाल। ये प्रेम में केवल ना हार तो हारी है, जीत जीत है, लेकिन ये एक ऐसी लाइन है जहां जीव संदर कर देता है, मैं ना ही मेरे मालिक, सब कुछ आप है, जो कुछ मैंने पहले अहंकार में किया मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना मेरे मालिक, मेरी भूल थी। देखो विनम्र होता जा रहा है, हारता जा रहा है, मैं आप करने के समर्थ नहीं है, आप जो कुछ ताकत देंगे मैं जाप करूंगा, भजन करूंगी, सिमरन करूंगी, जो कुछ आप मुझे प्रेरणा देंगे मैं वही करूंगा, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूं मैं दाता, पहले मैं अहम पना करता रहा, रब कोई छप्पर पाड़ के देगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, पहले मैं इस प्रकार की बकवास करता रहा दाता मुझे जमा करना, अब मुझे पता लगा है वसीला बन न देर कर। अब ये भगत हारता जा रहा है, पर इस हार में भी उसकी कैसी शानदार जीत है, हार में भी जीत है। कभी कभी जिनके ब्याह हुए हुए है और अभी ताजा ताजा ब्याह है, अर्थात 10-12 साल नहीं हुए, हाँ तो कभी कभी आपस में कुछ तकाजा हो जाता होगा, अच्छा तो तकाजा में कुछ कही सुनी हो जाती है, अच्छा कुछ आप शब्दों का प्रयोग हो जाता होगा, आप शब्द कठोर शब्द ना कहने योग्य शब्द भी आपके मुंह से निकल जाते होंगे, तो कुछ श्रीमान जी भी शेर का सवा शेर सुना देते होंगे, शेर का सवा शेर, उसके बाद आखिर में आप क्या कहती हैं, बाबा मैं हारी तुसी जीते, जान छोड़ो मेरी। अब उसके बाद क्या होता होगा, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, मैं तो इस लाइन में गया नहीं, जजमेंट तो मैं कर सकता हूं जरूर, लेकिन उसके बाद होता क्या है, आपकी जीत हो जाती है। श्रीमान जी ऐसे ही कुछ ड्रामा करते हैं कि बस जो हारा सो, मैं तो आपका मुकाबला नहीं कर सकती, बस मेरी हार तुम्हारी जीत, शपथ।
इसमें क्या हो जाता है, दूसरे का प्रेम प्रेम मन लबालब प्रेम से भर जाता है। जब भक्त अपने आप को विनम्र कर देता है, अपने आप को बिल्कुल ही आजिज बना देता है, सब प्रकार की कामना वासनाओं से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, हारा सो जीत करे। परमात्मा आपको अनुभव कराएंगे, जो जो ये अखंड धारा बढ़ेगी प्रेम की, तो तू तो आप खुद ही अपने अंदर अनुभव करने लगेंगे। नारद का अनुभव कोई व्याख्या के योग्य नहीं है, ये तो जो जो आप अपने आप को लगाए जाएंगे, अपने आप को विनम्र बनाए जाएंगे। जैसे आप सियाने जानते हैं, जिस टहनी में फल मोटा होता जा रहा है वो झुकती जाती है, ओए 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 ओए, ओ मेरी माता हो, मेरी अच्छी बेटी हो, बुजुर्गो हो, मेरे अच्छे भाई हो, जिस टहनी में फल मोटा होता जा रहा है वो टहनी आकाश को जाएगी। नहीं बाबा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार, गुरुत्व आकर्षण के नियम के अनुसार, हाँ धरती उसे नीचे खींचेगी। अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ना पढ़ा हो तो जरा पढ़िए साइंस में, गुरुत्व आकर्षण का नियम, धरती चीजों को अपनी ओर खींच रही है, धरती चीजों को अपनी ओर खींचती है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो वो नीचे झुकते जाएगी। जो जो फल बड़ा होगा, इस तरह जो जो कोई भी भगवान का प्यारा भक्ति में प्रेम में बड़ा होगा, हाँ तो भगवान की ओर झुकता जाएगा। ना भूलना, मैं जानकारी करा रहा हूं, समय पर लाभ उठा लेना। जिस टहनी में जैसे फल मोटा होता जाता है, मानो आम की टहनी, हाँ तो जो जो आम में रस बढ़ता जाता है और वो मोटा होता जाता है, तो वो नीचे टहनी झुकती जाती है। गुड। और जब वो बिल्कुल पक जाता है, हाँ तो वायु का झोंका पके हुए आम को धरती पे गिरा देता, उसी आम को खाया जाए तो हमारे अंदर खून बन जाता, वाह इतना लाल खून। अच्छा, तो आम झुकता गया झुकता गया, लेकिन वो जीत गया। नारद बस इशारा कर रहे गए कि मेरे वश की बात नहीं है कि मैं ऐसे अखंड प्रेम को वर्णन करूं, क्योंकि ये क्या है, ये शास्त्रीय शब्द है, अनर्वचनीय। वचनीय जो वचन में लाया जाए, अनर्वचनीय जिसके जो शब्दों में नहीं लाया जा सकता। कहत कबीर ये अकथ कथा है, शब्द कैसे लगा रहे, अकथ इधर अनर्वचनीय शास्त्रीय शब्द, कबीर जी साधारण शब्द लगा रहे, कथन कथन करना, अकथ जिसका कथन ना हो। कहे कबीर ये अकथ कथा है, कहता कही न जाए। मैं कहने की कोशिश तो करता हूं पर मुझसे वर्णन नहीं होता, ये लाइन याद रख लेना। कहत कबीर ये अकथ कथा है, अकथ कथा कैसी कथा है, ये कथा पर अकथ, जिसका वर्णन कोड़ी कर गया, हर एक ने अपने अंदर महसूस किया। शब्द को दो शब्द को चूमू, अकथ कथा है, कथा लंबी कहानी है प्रेम की, लेकिन अकथ क्या मतलब, कही ना जाने वाली प्रेम कहानी। राष्ट्रभाषा के दोनों साधारण शब्द अपने में कितने गंभीर गंभीर अर्थ लिए हुए हैं। अकथ कथा आय आय आय, अकथ कथा, मैंने बड़ा रस लिया इन दो शब्दों का। कहे कबीर ये अकथ कथा है, कहता मैं कोशिश कर रहा हूं, कहता पर कहीं ना जाए, पर मैं ट्राई भी करता हूं, ऑल इन विन, नो डाउट आई ट्राई माय बेस्ट, बट आई सी इंटरनली ऑल इन विन, कोई उसका अर्थ ही कोई नहीं, निरर्थक, पुरुषार्थ करता हूं लेकिन ऑल निरर्थक। ऐसा प्रेम होता है, हाय। फिर भी कबीर जी ने कोशिश की, क्या लिखा लिखी की है नहीं, कोई कह के चाचा नहीं बोलता कबीर ना बोल, लिख के बता दे, वाह वाह लिख के बता दे, पन्ने तेरे पास है बता दे। वो कहते ना 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 ना, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, या क्लियर कर दिया। सुनो मेरी देवियों, अब मैं आपकी जानकारी बढ़ाऊं, और कभी समय आएगा ये जानकारी आपके बड़े काम आएगी। क्या लिखा लिखी की है नहीं, अरे ये देखा देखी बात, ये तो देखने से वास्ता रखती है, ये तो अनुभव से वास्ता रखती है। आगे दृष्टांत देखो क्या कमाल का करेगा,
लिखा लिखी के है नहीं, ये देखा देखी बात। ओ देखो दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बरात। ओए ओए ओ जीव आत्मा मालक के संग मिल गई जे, हाँ उस दिन की फीकी पड़ गई। याद रखना ये फरमान, लिखा लिखी की है नहीं ये तो देखा देखी बात, ओ दूल्हा दुल्हन मिल गयो तो फीकी पड़ी बरात। जब दूल्हा दुल्हन मिलके कार पहले वो ले जाता है, हाँ तो पीछे बरात भवना भूत कुकड़ू कू। फिर बरात की कदर कोई नहीं जी, मैं आंखों से देख के आया। फिर कौन करेगा कदर, स्वार्थ उनके पूरे हो गए, धी उनकी ले गया क्या जवाई, और बाकी बरात, बरात का फिर यही हाल होता जे क्या, जैसे छल्ली से मक्की वाली छल्ली से दाने उतार लिए जाए तो बाकी तुक्के तुक्के की कौन परवाह करेगा। जिस मक्की की छल्ली में से दाने उतार लिए तो बाकी तुक्का रह गया। हाँ जब घर की भरे झोपन वाली धी चली गई, कोई उतार के ले गया दानों की तरह, बाकी बरात तुक्के रह गए तुक्के। लिखा लिखी के है नहीं देखा देखी बात, हाँ दूल्हा दुल्हन मिल गयो फीकी पड़ी बरा। परमात्मा करी जैसे बताया जा रहा है आप वैसे लगे रहेंगे तो वो दिन दूर ना होगा जब आपका अखंड प्रेम चल पड़ेगा। चूंकि सारे कह गए और आपके आए दिन में तजर्बा भी यही कहता है, क्या चलने वाला ही मंजिल पे पहुंचता, हमेशा चलने वाला ही मंजिल पे पहुंचता। वाह वाह, और जो चलता ही नहीं वो क्या खाक पहुंचेगा। मेरे से भी ज्यादा प्रकाश नहीं डाला जाएगा क्योंकि ये अनुभव कर से दुआएं तो मैं कर रहा हूं आपके हक में और करता भी रहूंगा। परमात्मा बस यही करे कि आप चलते रहिएगा, जितना आपका वश चले आप अपनी ओर से पुरुषार्थ कीजिए। ठीक कह रही है नारद जी, क्या अनर्वचनीय प्रेम स्वरूप, प्रेम का स्वरूप अनर्वचनीय अकथनीय है। अनर्वचनीय को आप अपने साधारण शब्दों में कह लेना अकथनीय, नाकाबले बयान या इनडिस्क्राइबेबल, इनको शब्दों में नहीं लाया जाएगा। परमात्मा अनुभव कराए मेरे बच्चे, ये अनुभव का विषय है। शाबाश शाबाश शाबाश, इसको जीव अनुभव करता है अपने आप के अंदर ही। आंखें बंद हो जाती हैं, बाहर के अंग बिल्कुल बंद हो जाते हैं और मन तन को छोड़ जाता है। इसके बाद जो अवस्था बनती है ये वो अवस्था, तो वाणी क्या करे बिचारी, वाणी अपने आप थोड़ा बोलती है, कौन बोलता है फिर, मन बुलाता है वाणी को, कान नहीं सुनते, मन ही इनमें बैठ के सुनता है। वरना मैं इतना ऊंचा लाउड स्पीकर से बोल रहा हूं, मन आपका कहीं और चला गया जिसे हम कहते हैं एब्सेंट माइंडेड या अन्य मनस्क, तो इतनी ऊंची आवाज भी आपके कानों में नहीं सुनाई देती। देखो जिसने सुनना है वो कहीं और गया हुआ है, जिसने सुनना है वो तो कहीं और गया है। ए बेबे कहां गई थी, मेरे से बाबा गलती हो गई, मैं दाल रख के आई ना उसके ऊपर गैस पर, तो वो तो कह के ही नहीं आई, तो फिर तो मेरा मन वो तो सड़ वैसी कि दाल सड़ वैसी या ऊपर उभर सी, ते वो भी आसी थे अगे पई बच्चिया की मां मेरे लड़ती है हूं अगे होर पे लड़ाई होगी। अब मैं इतना ऊंचा भी बोल रहा हूं तो मन काले दाल सड़ वैसी ते लड़ाई हो वैसी। अभी हो गया एब्सेंट माइंडेड, क्या हाजर में गैर हाजर, तो आवाज नहीं जाएगी। स्त्री साबित होता है कि अंग नहीं काम करते, अंगों के द्वारा मन काम करता। शाबाश जी, इसमें कोई शक नहीं। तो जब मन परे हटता है अंगों से परे, तो बस फिर जीव अनुभव करता है। हाय बहुत अच्छे महापुरुषों, महापुरुषों ने तो से तो जहां जितना बन पड़ा है, जहां तक शब्दों की पहुंच है वहां तक तो हमारी बड़ी मदद कर गए, बड़ी मदद कर गए। आहा आहा कितनी अच्छी ये इतनी सी पंक्ति है,
पर हमारे जैसे कितना कल्याण कर गए। बाहर के पट बंद करो अंदर के पट खोल, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल, इन बारों से चुप हो जा, एकांत में बैठ, कोई कानों में आवाज ना आए, कोई सुगंधी ना आए, कोई शब्द नहीं। भगवान तो गीता में कहती है निगाहें ना भटके इधर और उधर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, मन छोड़ दे तन को और परे हटे, वहां जाके महसूस होता है अखंड प्रेम की धारा। बाहर के पट बंद कर, लिख लो दिल की पट्टी पर मेरी बेटियों, ओ मेरे सजनों, खासकर धार्मिक भाइयों, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खो। आगे बढ़े, इतना ही प्रकाश डाल सकता हूं मेरी देवियों मेरे सजनों, क्योंकि ये तो अनुभव का विषय है ना। इस इतना हार मान लेने के बाद नर जी आगे बढ़े, मूका स्वादवत, नर्द के तेरे मेरी पर मेरे से नाराज क्यों हो रहे हो, आपने मुंह क्यों बना लिया। नर्द आप जैसे त्रिकालदर्शी इतने दिव्य शक्ति संपन्न भी नहीं बता सकते, तो मैं क्या करूं। सीधा शब्द का मुंह का स्वादर बात, ये तो गूंगे को गुड़ खिलाने के समान है। मुंह को तो गूंगा, हां आस्वाद मैंने स्वाद, वत मैंने तरह, ये तो गूंगे के स्वाद की तरह है, इसको बताया कैसे जा सके। ओए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अब और भी क्लियर कर दिया, जो हमें शिकवा नारद के प्रति हुआ था वो भी रफा दफा हो गया। ये तो सचमुच, ये आए दिन हमारे घर में देखते, आए दिन ये मेरी बेटी गूंगी आई बैठी है, मैं कभी कभी छेड़ भी देता हूं, कभी कभी छेड़ता हूं, अब मैं कहता हूं तुम जो सुन नहीं सकती हो, हाँ बोल नहीं सकती, तो यहां क्या करोगे, आके बैंड बजाओगी यहां क्या करोगी, फौरन मुझे जवाब देती है, घर में मैं उगता गई थी, तो मैंने कहा चलो वहीं जाकर के ना अपने मन में कुछ करा होगी, भाई बोले मैंने सुना ही नहीं देता, गुंगे दी रमजा तो गुंगे दी मां फैन जाने। अब उनको यहां भी इस वातावरण में भी आप गुंगों को भी हालांकि सुन नहीं सकते, लेकिन वातावरण प्रेम से जो भर जाता, या दोनों ही प्रेम के पुजारी हैं श्रोता और वक्ता, जब दोनों प्रेम के पुजारी मिले तो वातावरण सैचुरेटेड नो डाउट, क्योंकि परमात्मा जो हमारे साथ हो जाते हैं। तो फरमा रहे गए मूक आस्वादन वत, ये दिव्य प्रेम कैसा गए घूंगे के स्वाद की समान, वो इसको वर्णन नहीं कर सकता पर उसे स्वाद आता है। नारद का भला हो, बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, परमात्मा करे कभी हमारा भी अनुभव खुलेगा। धीरे धीरे करते 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 आप जानते हैं, करत करत अभ्यास ते जन्मति हो सुजान, जैसे रस्सी आवत जाते सिर पे होत निशान, अभ्यास करती रही मूर्ख मां मूर्ख भी क्या बड़ा ही बुद्धिमान बन जाता है, कैसे करत करत अभ्यास ते, यही अंग्रेजों ने बनाया, अपने प्रोवर्ब बना लिया, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जैसे वो उन्होंने दृष्टांत दिया है कुएं में से रस्सी रोज निकलती है और दिन भर में कितनी ग्वालन पानी भरती है, तो क्या इतनी मोटी होती है वो चरखड़ी लोहे की, वो भी घिस जाती है, 5 साल बाद 6 साल बाद वो भी घिस गई, रस्सी आवत जाते अंदर गई, बार आई बार अंदर गई, इतना मोटा लोहा भी घिस गया। हाँ इसी तरह जो लगातार भगवान के जाप में लगा रहे, चिंतन में लगा रहे, और अखीर में चिंतन यहां के संपूर्ण हो जाए, सुनर्जन नहीं कुछ भी, आकर चिंतन करते करते चिंतन की कोई हद तो होगी, कहीं तो चिंतन खत्म होगा, यहां बस। जैसे किसी ने किसी से कुछ रुपया लेना था, 3 बार मांगा, 4थी बार फिर बाजार में मिलाप हो गया, देख राम हाँ ये हमारा प्यार भी जा रहा है, बस आज की बात मैंने कोई नहीं मांगना, जब तेरा हाथ हो दे देना,
ना तेरा दिल करे ना देना, आप प्रेम तो करी ना, पर मिल तो ले मेरे साथ, हाथ तो मिलाना यार। ये भी क्या बात, मैं जब कभी मिलता हूं तो जो है गर्दन अपनी कथर के यूं निकल जाता है, ऐसा नहीं किया कर, दे ना दे तेरी मर्जी, आज के बाद मैं नहीं मांगूंगा। हाय शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, इस तरह अनर्थ करिए, जरा अभ्यास करते जाइए, जितना वस चले अभ्यास कीजिए अभ्यास कीजिए, तो करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, सुजान मैंने बच्ची बुद्धिमान, वो भी बुद्धिमान बन जाता है, वो भी अपना कल्याण कर लेता, पर प्रैक्टिस करते रहो अपने जाप में भजन में, जाप में भजन में, आखिर आहा, इसी को सूरदास ने भी कहा हुआ है, पता है आपको, ये ऐसी सी बोल अपने मन में लिख लो, क्या हरि संग लाग रहो रे भाई, जाने अनजाने में मन को भगवान के संग लगाई तो रखो, जाने अनजाने में हरि संग लाग रहो रे भाई, रखो करना तेरी बनत बनत बन जाए, ओए कुर्बान ओए कुर्बान ओए कुर्बान, हरि संग लाग रहो रे भाई, वो तेरी बनत, शब्द देखो जरा भाव देखो कैसे प्रकट कर रहा है, तेरी बनत बनत बन जाए, कभी तो कमले तेरी बन जाएगी, थे तो नेत्रहीन सूरदास पर नेत्र वालों को भी हैरान परेशान कर गए, हरि संग लाग रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जा, कभी तो बनेगी ना, आहा खटखटाते रहे हम किसी का दरवाजा, कभी तो कहेगा कौन, शुक्र है तेने इतना तो कह दिया, कौन है चाचा जी, हाँ मेरे पुत्र, मुझे आधा घंटा हो गया बोलते हुए, चाचा जी बड़ी नींद आई हुई थी और हम परले कमरे में थे, कोई बात नहीं बच्ची, मैं भी खटखटाता रहा हूं, हाय गए खटखटाता रहा हूं, कभी तो आवाज आई, इसी अवस्था में सूरदास जी कह रहे हैं, हरि संग लाग रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जा, आवाजें तो लगाते रहो, कोई ना कोई आवाज तो सोने वालों को जगा ही देगी। आगे चले, हाय 53 सूत्र और भी गजब धा रहे हैं, निराशा में न जाना, प्रकाशते कोऽपि पात्रे, प्रकाशते कोऽपि पात्रे, ऐसा अकथनीय दिव्य प्रेम किसी विरले अंतःकरण में आता है, टिकता है, वाह, प्रकाशते कोऽपि पात्रे, कोऽपि पात्र, मेरे पात्र होते बर्तन, तो यहां कौन सा बर्तन है, कंटेनर कौन सा हमारा, अंतःकरण, किसी विरले अंतःकरण रूपी बर्तन में ऐसा दिव्य प्रेम आता है, टिकता। वैसे सुना गया, पढ़ा भी है अपने शास्त्रों में कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन के सिवा और रखेंगे तो क्या होगा, वो बर्तन ही कड़क हो जाएगा, काका वो बर्तन ही टूट जाएगा, मैंने देखा तो नहीं मेरी देवियों मेरे सजनों, पर ऐसे पड़ा है, जरूर आपको पता होगा, जब ये सवेरे प्रसंग चला था, एक मेरी देवी चिल्ला उठी, आज तक किसी ने शेरनी का दूध धोया भी है, बेटी प्रेम से बोल ले, ऐसी कहावतें बन जाती हैं कि शेरनी का दूध सिवल, किसने धोया है, हाँ मेरी बेटी धोया है शेरनी का, गैया की तरह, किसने, शिवाजी ने, शिवाजी ने, शिवाजी मराठे, समर्थ गुरु रामदास जी के कई शिष्य थे, सुनिए तो बाबा जरूर ये घटना सुना, तो जैसे शब्द लगा समर्थ, वो हर बात में बड़े समर्थ थे रामदास जी,
अच्छा बाबा फिर क्या हुआ? तू समर्थ गुरु रामदास जी? हाँ बाबा, शिवाजी का बड़ा आदर करते, जब तक शिवाजी पहुंचते नहीं, हाँ ये उपदेश भी नहीं देते थे। सारे कहते अब हमें उपदेश दो, शिवाजी को आ जाने दो, तो फिर उपदेश देंगे। शिवाजी आ जाते उपदेश शुरू होता। तो ये चर्चा चल पड़ी, हमारे गुरुदेव तो समर्थ हैं, पर क्या सचमुच ही समर्थ है? ये तो पक्षपाती है, और जो पक्षपाती होते हैं वो समर्थ नहीं होता। जब तक शिवाजी नाई, जैसे शिवाजी को बड़े सुरखाब के पर लगे हुए हैं, सुरखाब के पर, तो ये भी कोई बात बनी कि वो आए तब उपदेश देती है। सारों में चैमगोइयां शुरू हो गई। समर्थ को भी मेरे प्रभु जी ने, भगवान राम ने बड़ी ताकत दे रखी थी, दिव्य शक्ति बहुत थी। पता लग गया? तो एक दिन की बात तो सुनो बाबा। सुना, एक दिन बड़ी निराली घटना हुई, वो मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों। बाबा हाँ, वेरी मिस्टीरियस एंड स्ट्रेंज एंड वेरी इंस्ट्रक्टिव एज वेल। अच्छा कौन सी घटना हुई, कौन सी? एक दिन गुरुदेव बच्चों को पढ़ाने नहीं आए, शिक्षा देने नहीं आए, तो सब ने कहा शिवाजी आप, मैं तो नहीं जाता, आप जाइए ना कुटिया में और पता कीजिए। तो एक पट शिष्य था, पट शिष्य बोलती है सबसे बड़ा शिष्य, पट बेटी डबल टा लगाना पड़ेगा, चीफ डिसिपल। अच्छा तो वो गए। हाँ अरे भाइयों देखते क्या, मेरे साथ आओ सारे। लौट के आया, ये तो कोई निराली घटना घट गई है क्या? एक साधारण मनुष्य की तरह गुरुदेव करवटे ले रहे आए और आया है कर रहे हाई, ये तो हमने कभी नहीं देखा। गुरुदेव क्या हो रहा है? बड़ी जोर की दर्द हो रही है पेट के अंदर, मुझे आधा घंटा हो गया तुम पहले कहां से, और कभी यूं कभी दाई कभी बाई। गुरुदेव आप तो समर्थ हैं, शक्ति लगा लो। शक्ति तो तब लगाऊं जबकि मेरे शिष्य ना हो, तो जब इतने बड़े शिष्य तपस्वी हैं और इतनी शारीरिक बल है, तुम्हें शक्ति क्यों लगाऊं? ये शक्ति मैं आपको दे दूंगा। हाँ गुरुदेव तो आप कहिए ना, इसका कोई इलाज भी तो होगा, जब बीमारी होती है तो उसका इलाज। हाँ इलाज निवारण है, कारण का निवारण, तो इसका निवारण है। आप मेरे को, हमारी जान की आदर है गुरुदेव, आप कहिए। लेकिन शिवाजी पीछे खड़े हैं, शिवाजी शेखी नहीं मार रहे कि हम कहिए हम तो अपनी जान कुर्बान कर देंगे, गुरुदेव आप कहिए ना, आप कहिए। नहीं आप करो गुरुदेव, आपको हमारे पर विश्वास नहीं कि हम आपके शरीर के अंग नहीं है, हमने आपसे सब कुछ प्राप्त किया है, जो कुछ हमारे में तो आपका है। अच्छा तो निवारण तो है पर करोगे जरूर, तो आप में से कोई जाए शेरनी का दूध ले आए और ये पूरी पड़ी है उसके अंदर घोल के मुझे पिला दे, हमेशा के लिए दर्द मुझे पेट में नहीं होगा। अच्छा अब दीदियों मेरे सजनों एक दूसरे का मुंह देखने लग गए, जैसे चार पांच बंदर हो ना तो एक दूसरे का मुंह देखते हैं, तो बोल कोई नहीं रहा, आंखों से बोल रही है, तू करेगा माई दलाल, तू करेगा गुरु दिवाल, सारी पता नहीं कैसे कैसे एंगल बनाने लगे, 45 दे 60 दे और मार 85 दे, बड़े हैरान। लेकिन शिवाजी तो पीछे से ही भाग गए, पीछे खड़े थे दौड़ ही गए, उन्हें पता था कि फला जगह शेरनी ने बच्चा दे रखा है, उसके दूध लबालब होगा। तो आओ देखा ताओ ने गुरु जी की वो चिप्पी उठा ली, चिप्पी जिसमें भिक्षा मांगते हैं पात्र, भिक्षा पात्र अपनी भाषा में बोलो, तो दौड़ गए नंगे पैर नंगे सिर, कांटे चुभे चुभने दे, जो कुछ भी होता है होने दे। बाबा फिर क्या हुआ,
आखिरकार में पहुंच गए। गुर्राई शेरनी, बाबा शेर कहां था? शेर शिकार के लिए गया हुआ था। अच्छा, तो गए, घुटने टेक दिए। मां, ओ मां, बिशक मुझे खा लेना। गुरुदेव इस वक्त दर्द से कर्रा रहे गए, मुझे दूध दोने दे। कहने की देर थी, शेरनी नजदीक आ गई और शिष्य ढूंढ रहे कहां गए, शिवाजी कहां गए, शिवाजी कहां गए, शिवाजी कहां गए, शिवाजी कहां गए। ढूंढते ढूंढते पहाड़ी पर आ गए और नजर आ रही है नीचे गार, जहां शिवाजी दूध दो रहे। ओए देखो, वो हमारी शिवाजी दूध दो रही है और गैया की तरह एक शेरनी खड़ी है और वो दुहारी है और वो पात्र में दो भी लिया। इतने में प्रणाम किया, मैया मैं अभी आया, आपकी मैं खुराक हूं। हाँ मैं अभी आया, गुरुदेव को देख के मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं आया। गया गुरुदेव, मैं दूध ले आया। सारे शिष्य गए, शर्मिंदा मेरे बच्चों, मेरी देवियों, सारे बड़े लग जाते हैं। हाँ मुझे पूरी मिला दी गई, दे दो, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल चंगा भला हो गया। हाँ गुरुदेव, और शिष्य भी पास खड़े हैं, मेरी सदा के लिए नमस्कार। क्यों, क्या बात? मैं शेरनी को वचन दे के आया हूं कि मैं गुरुजी को दूध दे आऊं और उनकी उधर की पीड़ा को दूर कर रहा हूं, उसके बाद मैं वापस आऊंगा। गुरुदेव क्या बात? तो वापस जाओगे? फिर मैंने नहीं आना, मेरे वहां से मैंने घुटने टेक के वचन दिया है और शिवा अपने वचनों का पक्का है। गुरुदेव मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, तो क्या मुझे नहीं ले चलोगे ये नजारा देखने के लिए कि शेरनी में कैसे ताकत होती है कि तुम्हें वो खा सकती है? क्या मुकाबला? गुरुदेव मैंने मुकाबला कौन ही करना, मैंने जाके लेट जाना है मुर्दे की तरह और वो मुझे चीर के खा ले, इतने में शेर भी आ जाएगा, मुझे चीर ले। बेशक मैं भी चलूंगा जैसे आपकी इच्छा, पर आप मुझे रोकेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गए सजनों, ओ देवी उनकी जीवनी में आता है, गुरुदेव साथ गए और खड़े हो गए, बाकी सारे शिष्य पहाड़ी पर। गुरुदेव मैं जाऊं और पारी से ये उतर आए और अंदर गए तो क्या है? क्या है वहां? गुरुदेव जी बैठे हुए, शेरनी चूरनी कोई नहीं। वहां तो गुरुदेव जी ने ही रूप लिया था शेरनी का, बच्चों की इस बेवकूफी को दूर करने के लिए कोई कोई बात है जो मैं इसका खास पक्ष लेता हूं। ये अपनी जान को हथेले पे लिया फिरता है जबकि तुम जबानी जमा खर्च करने वाले शिष्य हो, ये मैं ही तो हूं। देखा शिष्य हैरान हो गए, हमारे पास भी ये खड़े हैं और समर्थ रामदास जी नीचे भी वही है, ये क्या? फिर शिष्य ने देखा शेरनी, शेरनी का बच्चा और ऊपर गुरुदेव, फिर देखा शिवाजी जा रहे हैं और आगे समर्थ गुरु रामदास प्रणाम दे रहे हैं। एक दो बार ऐसा दृश्य, अलौकिक दृश्य दिखाया, पता लग गया ये गुरुदेव ने ही शेरनी का रूप लिया था। सिर्फ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग या हमारी गलती या भ्रांति को दूर करने के लिए देवियों शेरनी का दूध भी दोहा जाता है। अगर कोई पहुंचे हुए गुरु की कृपा हो जाए या मेरे भगवान की दिव्य शक्ति दे दी जाए तो शेरनी का दूध भी हो जाता है। जो बच्ची सवेरे मेरे साथ लड़ रही थी चुप होके परे दीवार के साथ खड़ी हो गई, मैंने टोका था, पर ये तो वाकई हमारे इतिहास में मशहूर है, शिवाजी ने शेरनी का दूध गुरुदेव के कष्ट को दूर करने के लिए दो लिया था। इसी तरह हमारे भगवान कृष्ण जी ने भी ये ड्रामा किया था, ड्रामा। हाँ, और नारद जी आ गए थे, आप बताइए आपको क्या हुआ? पीड़ा हो रही है। तो पीड़ा दूर नहीं हो सकती? हो सकती है नारद,
यदि कोई मेरा अरण्य प्रेमी हाँ अपने चरणों की धूली दे दे और मैं उसे मस्तक पे लगा लूं तो फिर दूर हो सकती है। तो नर्द में तो अभी लेके आता हूं, इधर भाग उधर भाग, जाओ जा वहां जा वहां जा, भाग के आखिर वृंदावन में हाँ पर जाके कहा उनको, अरे तो वो तो जमीन के ऊपर कूदने लग गई, ले नारद जितनी चाहिए मिट्टी ले ले, पगली कहीं की अपने चरणों की धूली बरसों तक नट में गिरेगी, बरसों तक नट में गिरेगी, कोई बात नहीं, वो तो जब शीश छोड़ूंगी तब गिरूंगी ना, अभी तो मेरे कन्हैया का दर्द दूर हो जाएगा ना, अभी तो नहीं रहेगा ना। जब उन्होंने कहा कुछ अनन्य अपने चरणों की धूली दे, हा नारद ने धूली उठाई, भाग के आया, आगे भगवान मुस्कुराते हुए आ रहे थे, क्यों नारद प्रभु दर्द दूर हो गया जब तूने धूली उठाई मेरे मस्तक में देख लग गई। नारद तू जो समझता था कि जितनी मैं भगवान की भक्ति करता हूं उतनी नहीं महाराज, क्या तू अनन्य नहीं है? बस महाराज आपने यही बताना था कि गोपियां मेरे से बहुत आगे। इसको समझाते हुए मेरे गुरुदेव जी ने कहा था दिवाली वाले दिन खान के कितने खिलौने बनते हैं बच्चों के लिए, ये हिरण बन गया, ये हाथी बन गया, ये कुत्ता बन गया, ये तोता बन गया, ये कौवा बन गया, हाँ खान के कितने खिलौने बनते हैं, बड़े खिलौने बनते, और भी कई पत्नी क्या मैं तो भूल गया, मैंने कुछ बता दिया ये सब, तो बच्चे साथ जाते थे पिता के, और तुमने कहा मैंने चार हाथी लेने हैं, मैं वो कहते मैंने घोड़ा लेना है, मैं तो ये बहन कहती थी ना ना मैं तो ये लूंगी मैं वो लूंगी, अच्छा लेके आ जाना घर में, अब घर में लेके आ जाना, लड़ाई शुरू जानी, नहीं मेरे हाथी की पूंछ टूट गई, हाँ जी तो मैं बहन तू मुझे अपना घोड़ा दे, मैं तो अपना घोड़ा दू, तू अपने हाथी दे तू पीठ तोड़ दे मैं तो घोड़ा दू, तो लड़ते थे, दो कहते तुम नहीं देती तुम अपना कौवा दे दो, दूसरे मैं अपने कौवा दू, मेरे हाथी की पूंछ टूट गई, अब लड़ाई हो रही है, वो उसको उसका पकड़ दे ना मैं नहीं देती, इतने में पिता क्या हो रहा है लड़ाई कर रहे हैं, मेरे हाथी की पूंछ टूट गई, अच्छा दो ये कौवा इससे कौवा ले दो घोड़ा ले दो, इससे बच्चे जिद करते हैं, तो वो उसके बाल पकड़ लेती है, वो उसके बाल पकड़ लेते, बड़े बड़े बाल होते थे, वो उसकी खींचता है, नजारा देख रहे योग होता है, घोड़ा वही नीचे रह गया, हाथी वही नीचे रह गया, और एक दूसरे के बाल पकड़े हुए और चीखे मारे जा रहे, भाभी उन दोनों मम्मी मम्मी कौड़ी बोलते थे, भाभी भाभी यहां देख ले, भाभी हमारी जा रही, देखो 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 पिताजी 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 ये देखो, उसने मेरे बाल खींचा, रस्सा कशी हो रही है, ऐसी रस्सा कशी तो मैंने एक दो बार ही देखी है, वो रस्सा कशी तो स्कूलों में होती है पर ये बहन भाई की रस्सा कशी, उसके बाल उधर उसके बाल हो रही है, दोनों को दर्द और पुकार रहे अपनी माँ को, भाभी आना भाभी, और ये आखिर में पिता ने क्या हो रहा है, मेरे गोला क्यों ले लिया इसने, मेरा हाथी ने पूत को तोड़ गई, पुत्रो मैं आ गया हूं जरा रुक जाओ, क्या तेरे हाथी ने घोड़ा पूत टूट गई, हाँ जरा हाथी ले जरा, और तुम अपना घोड़ा लो और घोड़े का जरा मुंह ले, तुम अपना कौवा लो और मुंह में लगो, अब छोड़ो ना, एकदम मिथ्या है क्यों छोड़ेंगे, लड़ाई खत्म हो गई, सारे अपने रस लेने में लग गए, ना याद रहा कि ये हाथी है, ना याद रहा ये घोड़ा है, ना ये हाथी याद रहा कि कौवा है, रस में लड़ाई कब तक, जब तक उन्हें रस नहीं दिया तब तक ये घोड़ा है ये रस है ये है, ये लड़ाइयां आपस में तब तक चलती रहेंगी जब तक कोई भाग्यशाली भगवान का रस लेना शुरू नहीं कर देगा, जब किसी ने रस लेना शुरू कर दिया मेरे सजनों ओ मेरी दे दियो, तब ये मेरा मंत्र अच्छा तो मेरा गुरु अच्छा तो मेरा स्थान अच्छा, ये बक बक चलती रहेगी, पर जब किसने शुरू कर दिया रस लेना कोई झगड़ा नहीं कोई लड़ाई नहीं, उसी जैसे बच्चों की लड़ाई खत्म हो जाती है, इसलिए ऐसा चलने वाला सारा कुछ अपने मन को हटा के लगे, ये तो भगवान ने खुद सातवें अध्याय में कहा है, हजारों में होगा कोई खाल खाल वो जिसको फिक्रे हसूले कमाल, मनुष्य नाम ससरेशु
कश्चित यत्सी सिद्धि है। हजारों में कोई होगा, हजार आजकल लाखों में कोई होगा जिनके अंदर भगवान की लगन लगे। सुनो 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 मेरी देवियों, लाखों में कोई होंगे, नहीं तो लगन आपस में लव अफेयर चलते ही है, लगन पहनने की, लगन आपस में प्यार करने की, लगन इज्जत की, लगन नौकरी लेने की, ये लगन तो है। हाय रब्बा, वह आओ मैं आपको लिंगन करके आपका मस्तक चूम लूं कि इस जन्म में आपके मन में गृहस्थी या मेतर व्यक्ति नहीं, मेतर वनवासी नहीं, नगरवासी मां के साथ बाप के साथ मेरे जैसे कि तो सारे एक एक करके मर गए, खत्म पोचा फिर गया। आपकी मां नजर आती, पिता ही नजर आते, बहन नजर आती, भाई नजर आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी पत्नी नजर आती है, इतने अच्छे अच्छे पतिदेव नजर आती हैं, बड़े सुंदर है, बड़े अच्छे हैं, गोल उनका चेहरा जो है क्या भरते वाले बैंगन की तरह, इतनी अच्छी हैं, और बच्चा कितना सुंदर है आपका, इतना ये क्या टेम्पटेशन है, ये प्रलोभन है, इतने प्रलोभ के होते हुए फिर आप अपना मन मेरे इस देव में लगा ले, लाखों में होगा कोई खाक, इन सारों से हटे ना। कब ये रस आता दिव्य जो वो कह रहे, किसी विरले पात्र में आता है, सुकेड़े जो हर शायद से अपने इन सारों से मन हटे, मां से बाप से बहन से भाई से पत्नी से पति से काके से, जो अपने आप ही खाम खा के अपनी गाल मां के साथ लगा के, अम्मा मम्मी 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 तू मेरा कहना क्यों नहीं मानती, अपनी आप ही बच्चे प्रेम जगा ले, गाल के साथ गाल लगा लेंगे, अपना हाथ आपकी गर्दन में डाल लेंगे, मम्मी बोलना, उस वक्त कैसे कलेजा थामेगी, कैसे अपने मन को थामेगी, प्रेम उछाले मारता, एक बार आके कह दे पापा और आपको खींच ले, बाबा मेरी चुन ना, एक तो बोल नहीं सकता, बाबा तू चुन में ली, क्या बात, बाजार में जाके मुझे भी छिली छलाई पैंत ले दो जैसे ही मेरे दोस्त की है, लो आप पानी पानी हो गए। आप इतनों से मन निकाल के एक केवल भगवान में लगा के ये साबित करना, क्या न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम, परमात्मा शक्ति देंगी, असंभव तो नहीं पर अति कठिन है। इसलिए हमारे देव ऋषि नारद हमें चेतावनी दे रही है, प्रकाशते कोऽपि पात्रे, भाई ऐसा दिव्य प्रेम किसी विरले अंतःकरण में प्रकट होता, प्रकाश का अर्थ लगाना, प्रकाशित मतलब प्रकट होना, किसी विरले में प्रकट होता है, हरेक तो इसका भागी भी नहीं होता, हरेक में इतनी लगन भी नहीं होती, ये तो कई जन्मों के मेरी बेटी पुण्य जागती है मेरे सजनों। तब वारे भारतीय कवि क्या कमाल कर रहे कर गया ये कह करके, मोहब्बत की नहीं जाती रे मोहब्बत हो ही जाती रे, हाय मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो ही जाती गए, ये शोला खुद भड़क उठता है भड़काया नहीं जाता कुर्बान, ये शोला खुद पिछले जन्मों के संस्कार जागे तब, ये शोला खुद भड़क उठता है भड़काया नहीं जाता, हाय मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते गए, जिरले मन रिजर्व हो जाते हैं ऐसी प्रेम के लिए। वाह कवि वाह, तेरे चरणों में हम सबका बार बार प्रणाम, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हुए, आगे देखो कमाल कर दिया कवि ने, ये वो नगमा या संगीत है, ऐसा गीत है ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, ये वो नगमा देवी ओ सजनों, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता है, मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो ही जाती है, अरे ये वो नगमा
अरे मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत वो ही जाती है। हाय ये शोला खुद भड़क उठता है भड़काया नहीं जाता। तो कई जन्मों के पुण्य जाग जाए ना, कई जन्मों के पुण्य। उधर कबीर तो देखो कैसे अपने आंसू बहा रहे, किसी वृक्ष के साथ लगा हुआ उसके चलो आंसू पूछो, नहीं पूछ सकते कम से कम उनके प्रेम भरी आंसू गिरते हुए तो देख लो। क्या बाबा क्या कह रहे हैं कबीर जी, अभी तो चोटी के भगवान के प्यारे हुए हैं, उन्होंने भी इसको प्रकट करने की कोशिश की है और काफी भगवान को प्रसन्न भी कर लिया। वो बेचारा हैरान है, परेशान है कि वाह वाह वाह, कोई अभी किसी विरले पात्र में, जी सरकार किसी विरले में आकर टिकता है ये, जो इतना अपने आप को निर्मल करे तब ना, जो अपने आप को साफ करे तब ना। वो देखिए रोई जा रहे कि दाता ये किसी विरले को देते हो, पानी भरल पिनारियां तिरंगा रंग घड़े, पंखट पे जाके देखो ना पानियां भर रही हैं पिनारियां और रंगा रंग घड़े, और तीन सिर पे रख लिए एक बगल में ले लिए और घाघरे मटकाती हुई जा रही हैं और अनेकों ने भर लिए हैं, पानी भरल पिनारियां रंगा रंग घड़े भरिया उसदा जानिए वो जिसदा तोड़ चढ़े। कितने घड़े लेके जा रही है पर भरिया तब बना जब इतने लेके घर की दहलीज से निकल के अंदर की घड़वंजी पे रख दे, अंदर के मटका स्टैंड के ऊपर रख दे सारे घड़े भरिया उसदा जानिए। माला तो कई फेरती है, सत्संग में भी कई आते हैं, रातों भी कई जागती है, जगराते भी रखती है, पर भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ जाए, जो अपनी सूरत अपने मालिक के संग बांध ले। क्यों नहीं, अगर आपके लिए संभव ना होता तो मालिक ये समा पैदा ना करते। ये दिव्य वातावरण आप जैसे विशेष विशेष अच्छे अच्छे जीवों के लिए ही मालिक ने तैयार किया। घबराइए नहीं, निराशा में न जाइए, आप कर सकती हैं, वरना कभी भी भगवान आपको प्रेरणा दे करके घरों से ना बुलाते। आप वनवासी नहीं है, नगरवासी हैं, आप सन्यासी नहीं है, क्या ना सन्यासी है ना उदासी है, बल्कि क्या है आप तो ग्रस्ती है। फिर भी मालिक ने आपको दिव्य प्रेरणा देके खींचा है, चूंकि आपके लिए संभव है। भगवान ने आपके भविष्य को देख के खींचा है ना, इसी से खुश हो जाओ, इसी से गदगद हो जाओ कि मालिक हमारे अंदर भी ऐसा दिव्य प्रेम रखना चाहते हैं, हमें भी ऐसे दिव्य प्रेम के अधिकारी बनाना चाहते हैं। बकप बकप बकप, ये प्रेम आपको भी वो देना चाहते हैं। शाबाश, परमात्मा करे वो दिन दूर ना रहे, नजदीक आ जाए कि आप भी इसको अनुभव करें। यह होगा जरूर अगर आप विशेष ध्यान देते रहे और अनेकों से मन हटाते रहे कि मनुआ सच्चाई की जात है तो सिर्फ यही भगवान की है, और इन नाना प्रकार के शरीरों को जिनको आप बहुत चाहते हैं केवल भगवान जी चला रहे हैं ना, अपने आप में तो इनकी शक्ति भी नहीं है चलने की, भगवान जी शक्ति अपनी दे के चलाई जा रही है। इस प्रकार की विचारधारा बना लेंगे तो आप बड़ी जल्दी ऐसे सुच्चे और सच्चे प्रेम को ले लेंगे जिसको नर जी अखंड प्रेम कहेंगे। जरूर आप लेंगे मेरे बच्चे, जरूर मिल जाएगा आपको। आप लगे रहिए भगवान पर भरोसा रख के, जुटे रहिएगा, बस बात बन जाती है। मालक किसी की झोली खाली नहीं रखते। बड़ा अच्छा किसी अनुभव ने कहा है जो आपने कई बार सुना और मैंने सुनाया भी है, क्या उसको देते तू नहीं देखा पर सबकी झोली भरी देखी, कोई खाली तो गया ही नहीं भगवान के दरबार में, देते नहीं देखा
पर जब उसने झोली देखी तो भरपूर है, हाय कितना चक आ गया। उनको देते तो नहीं देखा पर सबकी झोली भरी देखी, क्योंकि भगवान के दरबार से कोई मायूस नहीं जाता बल्कि गदगद होके जाता है। निराश न होना मेरे सज्जनों मेरी देवियों, आज नाते कल से ही जाप कर रही है, भजन कर रही है, सत्संग कर रही है, अपनी ओर से लगे हुए हैं, चारों ओर से अपने मन को खींचकर पूरे रूपये इन भगवान के श्री चरणों में लगाने के लिए उनके उपदेश को अपना भी रही है। भगवान का ये फरमान हमारे पर बहुत गहरा असर डाल गया है। क्या जो है मेरी तालीम पर कार बन करे नचीनी को जो ना पसंद अकीदा सिपा बंदे अर्शा है वो कर्मों के बंदल से आजाद। बड़ा गहरा उतर गया ही महाराज जी के ये फरमान। तो आज नाते आखर मालिक ने ये प्रेम हमें भी देना, आज नाते कल सही हमने भी उनके इसके अधिकारी बन जाना, आज नाते कल सही आखिर मालिक ने आहा आपके लिए भी भुजा उठा उठा के कहना वही गए मेरा भक्त, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे आज नाते कल सही, आज नाते कल सही। भगवती मेरे सज्जनों आज नाते कल सही, अगर अभी तक हम अधिकारी नहीं बने ना सही, हम भी निराशा में जाने वाले नहीं है, हम भी पूर्ण आशा रखे हुए हैं, पूर्ण आशा आज नाते कल से ही जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। यथामति यथाशक्ति, यथामति यथाशक्ति हम अपनी ओर से पुरुषार्थ किए जा रहे हैं। आखिर मेरे मालिक ने हमें भी गले लगाना आज नाते कल से ही, आखिर जी भर के आपने भी दीदार करना आज नाते कल से ही। मेरे जैसे को देखकर और भगवान के प्रेम की व्याख्या करने सुनते हुए ये जरूर विश्वास रखिएगा, मालिक ने भेजा है, मालिक ने यह दिव्य वातावरण पैदा किया है और हमें इतनी दूर की बातें समझाने के लिए अपने प्यारे को भेजा है, जरूर हमारी भी ये अवस्था बनेगी आज नाते कल सही। वाह मेरे मालिक, वाह मेरे इष्टदेव, भगवान के प्यारे कभी भी निराशावादी नहीं होते, उन्हें हमेशा ही हर सूरत में हर दशा में हर दिशा में आशा बनी रहती है। आशा के आधार पर ही तो हम साधना कर रहे हैं, आशा के आधार पर ही तो हम यहां पर इतने उत्साह पूर्वक आते हैं। है क्या ये भाव हम दांतों से बोलती है? नहीं, हमारा अंतःकरण बोलता है। लोग पखंडी होते होंगे जो दांतों से और लबों से बोलते होंगे, पर हम तो शुद्ध और गर्मा गर्व अंतकन से उच्चारण करते हैं भगवान के लिए। भगवान अंतर्यामी जानते होंगे, ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे ना ले अज तार दे, ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। बड़े प्रेम से बड़े प्रेम पूर्वक हर कंठ से ये कोयल की ध्वनि निकल आए, ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट दे इष्ट दे हमें दीदार।
ओ मेरे प्रभु जी, आय हाय मेरे प्रभु जी, ओ हो मेरे प्रभु जी, सहारा तेरा ले लिया है, कृपा अपनी दे नाल आज तार दे। जाहो 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 मालिक, बहुत अच्छे, वह कृपा अपनी दे नाल आज तार दे। इष्ट देव, इष्ट देव, इष्ट देव में दीदार दे, कृपा हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।